वही कानपुर से अगली खबर, शुगर पान मसाला कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पिछले 24 घंटे से चल रहे रेड की कार्रवाई की गई। सप्लायर के घर से 90 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। 150 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति बरामद की गई। नोट गिनने के लिए आपको बता दें कई मशीनों से गिनती जारी है। शिखर पान मसाला के मालिक है प्रवीण चैन। कंपनी ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की। 7 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पे जीएसटी का छापा पड़ा है। हम आपको बता दें ये कानपुर के आनंदपुरी इलाका है जहाँ पे ये पीयूष जैन का आप घर देख सकते हैं। ये पूरा पीयूष जैन का घर है। इसके अलावा एक मकान यहाँ कानपुर में मौजूद है। हम आपको बताते चलें कि एक साथ 7 ठिकानों पे पीयूष जैन के वहाँ पे छापेमारी करी है। करीब 150 करोड़ की अघोषित रकम जीएसटी के अधिकारियों द्वारा यहाँ पकड़ी गई है, जिसकी पूरी जानकारी अंदर जुटाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये घर है, इसमें पूरी अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई अंदर चल रही है। जो मेन गेट है वो लॉक है। ये बॉक्सेस रखे हैं, ये बक्से रखे हुए हैं जिसमें जो नकदी अंदर पकड़ी गई है उसको यहाँ पे रखा जाएगा। इसके अलावा जो अंदर की एंट्री का गेट है वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जूते चप्पल बिखरे हुए हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी है वो भी अंदर बैठे हुए हैं। हम आपको बताते चले कि जो कन्नौज का इलाका है, जो कन्नौज का पीयूष जैन का घर है, उसको जीएसटी की टीम ने सील कर दिया है। इसके अलावा आयकर के अधिकारी, आयकर की टीम भी अंदर मौजूद है। पूरी तरीके से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं पूरा घर उधर से शुरू है। आप ये अंदर का नजारा देखिए किस तरीके से जो अंदर लोग मौजूद हैं, पूरे घर को अंदर से बंद कर दिया गया है। ये पूरा घर है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये नजारा पूरा। ये पीयूष जैन का घर है जहाँ पे अंदर कार्रवाई चल रही है, जहाँ पे जीएसटी के अधिकारी मौजूद हैं, जहाँ पे आयकर के अधिकारी मौजूद हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक बड़ी करेंसी सामने निकल के आई है, कहीं ना कहीं जो जीएसटी की कई फर्में थी जो कई नामों से बनाई गई थी, फर्जी तरीके से बनाई गई थी, उस फर्मों से ये जीएसटी चोरी का पूरा मामला निकल के सामने आया। फिलहाल जो अभी अधिकारी हैं, क्योंकि 36 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, जो अधिकारी हैं वो पूरे मामले की अभी भी लगातार जांच कर रहे हैं। क्योंकि इस घर के अंदर मौजूद लोग अभी घर पे हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। इसके अलावा जो उनके ट्रांसपोर्ट नगर का गोदाम है, जो कन्नौज का घर है, जो कन्नौज में इत्र का कारोबार था, वहाँ भी टीमें लगी हुई हैं। पूरे मामले की गहनता से जांच करी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी करेंसी सामने निकल के आई है। 150 करोड़ रुपए नकद पकड़ा गया है, तो इसके लिए ये पूरे मामले की जांच की जा रही है। और जिस तरीके से मामला जीएसटी चोरी का निकल के आ रहा है, तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन आरुष के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़।